नमो नमः विद्यार्थियों, हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक कक्षा षष्ठी का 19वां अंतिम पाठ जो है विनोद कणिका, उसे पढ़ने जा रहे हैं। विनोद कणिका से अर्थ है हंसी वाले। कुछ ऐसे पद्य यहाँ पर बताए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसमें हास्य विनोद के बारे में बताया गया, हंसी के बारे में बताया गया है और हंसी से संबंधित वार्तालाप की गई है। पाठ पहला है शिक्षक कक्षायां गृह कार्यम पश्यति। देखिए, शिक्षक जो है कक्षा में गृह कार्य अर्थात होमवर्क देखते हैं। शिक्षक भवान एकाकी एतावत दोषान कृतान। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने तो इसमें बहुत गलतियां की है। कौन कहता है? शिक्षक। तो छात्र बोलते हैं न श्रीमान मम पिता अपि सहायम कृतवान। नहीं श्रीमान जी, मेरे पिता ने इसमें सहायता की थी। तो ये गलतियाँ जो है किसके द्वारा की गई है? मेरे पिताजी के द्वारा। दूसरा है शंभुकनाथ मम पत्नी मम खादानंतरम एव रोटिका खादती। देखिए शंभुकनाथ यहाँ बोल रहा है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे खाना खाने के बाद रोटी खाती है। तो भल्लीनाथ बोलता है भवतः पत्नी निश्चयेन श्रेष्ठा पतिव्रता अस्ति। जरूर तुम्हारी पत्नी जो है श्रेष्ठ पतिव्रता है। शंभुनाथ बोलता है न एव नास्ति, नहीं ऐसा नहीं है। तस्या मम च एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। देखिए वो क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के पास क्या है, एक ही दंतावली है। नेक्स्ट है पिता पुत्र अद्य विद्यालय न गतवान किमर्थ। पिता ने पुत्र से कहा कि आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? पुत्र ने कहा अवकाश अस्ति। पुत्र ने कहा कि छुट्टी थी। पिता ने कहा किंतु अवकाश तो श्व अस्ति। तो मतलब पिता बोलते हैं कि लेकिन अवकाश तो कल था। तो पुत्र कहता है हिंदया लिखितम अस्ति, काल करे सो आज कर, अतः श्वस्तन कार्यम अहम अद्य कृतवान। देखिए उसने क्या कहा कि हिंदी में लिखा है, हमारे हिंदी की बुक में ऐसा लिखा है कि कल जो था वो आज करो, है ना, मतलब जो कल का काम है उसको आज ही कर लो, है ना। तो उसने क्या कर लिया, कल छुट्टी थी तो उसने आज ही छुट्टी कर ली, तो कल का काम आज ही कर लिया उसने। उसके पश्चात है रमेश भवान सर्वेभ्य ऋणम किमर्थम स्वीकरोति। रमण अरे मित्र एव एकम एक एव बारम बारम ऋणम न ददाति। अतः देखिए रमेश बोलता है कि तुम सभी का ऋण कैसे स्वीकार करोगे। तो रमण बोलता है कि अरे मित्र एक ही ऋण बार बार नहीं लेना चाहिए, अर्थात वो अपने मित्र से कहता है कर्ज तो एक ही बार लिया था तो ऋण बार बार क्यों देना, ठीक है। उसके बाद है शिक्षक सर्वे छात्रा क्रिकेट क्रीड़ा उपरी लेखम लिखन्तु। देखिए शिक्षक कहते हैं कि सभी छात्र क्रिकेट क्रीड़ा के ऊपर एक लेख लिखिए, ठीक है। शिक्षक भवान किमर्थम न लिखती। अब एक बच्चा रहता है, उससे शिक्षक बोलते हैं कि तुम आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो छात्र बोलता है वर्षा कारणात क्रिकेट क्रीड़ा स्थगिता अभवत। देखिए वो क्या जवाब देता है कि वर्षा के कारण, वर्षा ऋतु हो रही थी, मतलब वर्षा ऋतु थी और उसमें बारिश हो गई, तो बारिश के कारण क्रिकेट क्रीड़ा जो थी वो स्थगित हो गई, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पुत्र पितरम पृच्छति पिताश्री चिकित्सा क्षेत्रे दंत विभागे अधिक लाभा अस्ति अथवा नेत्र विभागे। पुत्र पूछ रहा है पिता से कि पिताजी मुझे ये बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में दंत विभाग में अधिक लाभ है या नेत्र विभाग में अधिक लाभ है। तो पिता बोलते हैं दंत विभागी। पुत्र जिज्ञासाया कथम। पिता कहते हैं दंत विभाग में। पुत्र बोलता है जिज्ञासा के साथ कि कैसे कैसे। पिता बोलते हैं नेत्र द्वयमेव दंता तु द्वात्रिशन संति। देखिए नेत्र जो होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, लेकिन दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं ना, इसके लिए। प्रकार से ये हमारी छोटी छोटी विनोद कणिकाएँ थी। धन्यवाद।